आदि शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। देवी माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, जो कि देवी माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। देवी चंद्र घंटा माँ पार्वती का विवाहित रूप है। इसी के साथ मैं सपना भाटी मौजूद हूँ माँ काली की शरण में, जो कि भोपाल के जहांगीराबाद में स्थित है। कहा जाता है, अगर यहाँ पर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, आइए मेरे साथ। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। वैसे तो भारत में कई रहस्यमय मंदिर हैं, उन्हीं में से एक है माँ कालिका का मंदिर। ये भोपाल के छोटे तालाब के पास स्थित है। बताया जाता है ये मंदिर कई वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और पहले यहाँ पर माता की एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी। 1967 में यहाँ की स्थापना हुई मंदिर की, और नवरात्र में विशेष मूर्त पूजन होते ही यहाँ पे प्रातःकाल 5 बजे मंदिर खुल जाता है और भक्तों की अपार भीड़ होती है। यहाँ क्या है, कालिका माता का मंदिर है और कालिका माता जो है कलयुग में महाकाल और काली का विशेष प्रभाव है, और काली तो मनवांछित फल देने वाली है, दुष्टों का शमन करने वाली है, आरोग्यता प्रदान करने वाली है, आयु को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से यहाँ पे भक्त आते हैं, जिन भक्तों का नवरात्र में नवरात्रि व्रत रहता है वह भी प्रातःकाल आकर के जल अर्पण करते हैं, पुष्प अर्चन चुंदी और गोडसोपचार दसोपचार पंचोपचार जो जैसी जिसकी जिसकी श्रद्धा या समय है उस हिसाब से माँ की पूजा करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा स्वरूप कालिका माता की। यहाँ पे माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने वो बोला ना आपसे, काली का माता जो है शीघ्र प्रसन्न और शीघ्र बल भर देने वाली माता है। माँ को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती है, तो इसमें थोड़ी सी साधना भी करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है और इच्छाओं की पूर्ति मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। कहते हैं यम यम चिंता ते काम तम तम प्राप्त निश्चितम, दुर्गा सप्तती में ये मंत्र श्लोक आया है, तो यह श्लोक ये दर्शाता है कि माँ के सामने आप जो जो कामनाएं करते हैं माँ उनको पूर्ण करती है। आप यहाँ पे कितने समय से कार्यरत हैं? 21 वर्ष हो गए मुझे। पंडित जी, आज की क्या मान्यता है इस मंदिर? आज के दिवस की मान्यता है, आज देवी चंद्र घंटा देवी का दिवस है। मंदिर की मान्यता के मामले में देखा तो मंदिर काफी प्राचीन है, कम से कम लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर है। आज का दिन कौन सा है? नौ दुर्गा का माता चंद्र घंटा का दिवस है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना माने वो पूरी होती है, उसके बारे में? ये स्वाभाविक रूप से सत्य है कि जो जो आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी लेकर माता ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप यहाँ पे कितने वर्ष से काम कर रहे हैं? शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसी के साथ यहाँ गर्भगृह के पीछे भक्त मनोकामना मांगने के लिए धागा बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इस धागे को खोलने आते हैं। माँ के भक्त ने बताया कि वो कई सालों से माँ की सेवा करती आ रही है। आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और उनको खीर का भोग लगाया जाता है, तो वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माँ को खीर का भोग लगाया। मैं कम से कम 20 साल से मैं आ रही हूँ और ये माता का मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी होना थी, बस उस साल मेरा छूट गया, बाकी मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। आपकी आस्था कितनी है यहाँ से? बहुत ज़्यादा, मेरी पूरी आस्था यहीं से लगी हुई है। ये सासू माँ ये यहाँ पे सेवा देती हैं और इनको भी बहुत वो मिला है, यहाँ से शक्ति मिलती है हम लोगों को। आज माता चंद्रघंटा का आज प्रतिदिन है नवरात्रि का, तो आज वो सफ़ेद खीर का भोग लगता है उनको, तो बहुत
बहुत ज्यादा सज रही है। आप यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। क्या करते हैं आप यहाँ पे? झाड़ू, बर्तन, भोग बांटना, भोग काटना, ये करते हैं। कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे हो गए 30 साल। अच्छा, आप रोजाना आते हैं? जी, दोनों टाइम। आपकी कितनी श्रद्धा है इस मंदिर को? मेरी तो पूरी श्रद्धा है, इधर ही सब बहुत मन से लगा के सेवा करती हूँ। माँ जगदम्मा का नाम से खूब सबे अच्छा रखे, वो बढ़िया, सबकी मनोकामना पूरी हो, शेरा वाली सबकी मनोकामना पूरी करती है। इनकी श्रद्धा समय हो गया है। मैं बचपन से ही आ रहा हूँ और 22 साल से तो हम कंटिन्यू दोनों नवरात्रि में आते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। नहीं, मंदिर में तो मैं भक्त के नाते आता हूँ। आपकी कितनी श्रद्धा है? मेरी बहुत श्रद्धा माता रानी पे। क्या आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? माता रानी को सभी कुछ जो मांगा वो देती है, माँ है, मतलब जो मांगोगा तो मिलेगा। और नवरात्रि के पहले भोपाल शहर वासियों को हार्दिक बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालु जो भी मांगते हैं माँ से वो माँ पूर्ण करती है। तो इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सपना भाटी अपने सहयोगी अदित के साथ दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।